हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कसा काय। मैं हूं सचिन और यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बहुत टाइम से अपनी एक ट्रिप पेंडिंग थी। टाइटल और थंबनेल लेकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहां जा रहे हैं। साथ में ज्वाइन किया है संतोष भाई ने, और अभी हम लोग खड़े हैं नर्मदा टोल प्लाजा से पहले। आगे भरूच का ब्रिज आएगा एक, जिसको हमें क्रॉस करना है। ब्रिज का भी व्यू आपको दिखाएंगे। हम लोग जा रहे हैं महाकाली के मंदिर पावागढ़ में। गुजरात का सबसे बेस्ट प्लेस है, धार्मिक प्लेस है। सुबह 5 बजे हमने स्टार्ट किया था राइडिंग। वेदर फोगी था, उसकी वजह से हमें स्लो स्पीड में आना पड़ा। 7:30 बजे है, पहला ब्रेक हमने लिया है टोल प्लाजा के पास, और आगे जाते हैं, निकलते हैं। राइड का भी मज़ा लिया, बहुत मज़ा आया। आगे जाके पूरा आपको व्यू भी दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हमने ब्रेक लिया, ब्रेक इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये गेट दिखा था, तो मैंने सोचा एक बार गेट पास से देख लूं कि गेट जो दिखने में थोड़ा पुराना दिख रहा है, तो सोचा एक बार गेट दिखा दूं। चंपानेर एक पावागढ़ का बेस विलेज है। चंपानेर से ये गेट 2 किलोमीटर पहले लगता है। चंपानेर से पावागढ़ का बाय रोड अंतर 5 किलोमीटर का है, तो कुल मिलाकर यहाँ से पावागढ़ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। गेट काफी पुराना और मजबूत है। चंपानेर साइड से कुछ ही दूरी पर होने के कारण शायद से इसका नाम सिटी गेट दिया गया है। यहाँ से जो तालाब दिख रहा है उसका नाम पाताल लेक है, और यहाँ से ही आपको पावागढ़ का खूबसूरत नज़ारा देखने मिल जाएगा। दोपहर के 12:30 बज चुके थे और समय काफी निकल चुका था, तो हमने यहीं पे स्टे करने का फैसला कर लिया। आसपास में पता लगाने के बाद हमें एक धर्मशाला का रेफरेंस मिला, जहां हमने स्टे किया। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा के यहाँ पे आ गए हैं रहने के लिए। बहुत सारी रूम्स हमने देखी मेन रोड पे, जहां हमने खाना खाया था वहां पे मेन रोड पे रूम्स देखे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। और रेट्स देखे तो काफ़ी हाई है, तो मतलब बजट ट्रिप है अपनी, तो उस हिसाब से हम लोग रेट्स देख रहे थे। पूरा एक्सपीरियंस में पहली बार ये कर रहा हूँ, किसी धर्मशाला में मैं रुका हूँ, तो ये धर्मशाला ही है। चंपानेर के पीछे की साइड में ये गांव है। गांव में हमने इंक्वायरी किया तो लोगों ने हमें बताया कि आप गांव में जाइए, वहाँ पे एक बार इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कम रेट्स में और बजट में आपको स्टे का ऑप्शन मिलेगा। और हमने वहाँ पे इंक्वायरी की तो हमें काफ़ी सारे मतलब 1000 रुपीज़, 1500 रुपया ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने ये जो धर्मशाला है तो धर्मशाला में रुकने का डिसीज़न लिया, क्योंकि रेट्स भी कम है। प्लस आपको यहाँ रुकने का दूसरा रीज़न बताता हूँ। मेरे पीछे से जो पूरा पावागढ़ का व्यू है यहाँ से आपको देखने मिलेगा, जो शायद हम लोग कई दूसरे होटल या रूम में अगर स्टे करते तो वहाँ पे शायद नहीं रहता ये व्यू। ये देखिए पूरा जो लॉबी है, काफ़ी बड़ी लॉबी है। अगर आप आ रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। पहले फ्रेश हो लेते हैं, फ्रेश होने के बाद में आपको मैं पूरा यहाँ से जो पूरा व्यू है यहाँ से पूरा घुमाऊँगा। आपको एक रूम टूर भी करवा देता हूँ कि आपको 250 रुपये में क्या क्या मिलेगा। चलो तो अभी जो हमें रूम एलोकेट हुआ है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। संतोष भाई यहाँ पे अभी बैग ही पैक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पता नहीं भाई। मैं तो इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा है पूरा आज, तो सचिन भाई तो अभी शूट कर रहे हैं, मेरा तो शूट करने का पूरा मूड नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले सचिन भाई को यही बोल रहा, पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद में शूट वगैरह कुछ भी करना हो तो करूंगा। तो क्योंकि धूप ही इतनी थी ना, हम लोग पीछे घूमे, बहुत सारा घूमे, वहाँ पे इंक्वायरी किया, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 1500 बोल रहा है, तो और उनको क्या है फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कई नए लोग आए तो उस हिसाब से वो लोग रेट बता देते हैं, फिर बार्गेनिंग का भी उन्होंने बोला कि आप बोलोगे उस हिसाब से, अगर स्टे आवर्स आप कम करोगे तो उस हिसाब से आपको 500 में भी एडजस्ट करके देंगे। लेकिन हमको कैसा है कि भाई नाइट में भी रहना है, मॉर्निंग में भी स्टे करना है, तो उस हिसाब से हमने रूम रखा है यहाँ। देखो यहाँ पे पहले तो आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं छोटे से, जहाँ हमने हेलमेट वगैरह रख दिया है। हवा आने के लिए विंडो हमने खोली थी, लेकिन उसमें से क्या है आप देखो, बंदर की पूंछ लटक रही है। हे गुड इवनिंग एवरीवन,
कहानी कुछ इस तरह है कि हम लोग अभी सो गए थे और जस्ट फ्रेश होके उठे हैं, काफी थकान आई थी इसलिए हम लोग सो गए थे। बाहर चांपानेर का पूरा शूट करना है इसलिए उठे हैं। सुबह से बहुत घुमा था इसलिए हमको रूम वगैरह कुछ नहीं मिला था। बाद में जो मिला है उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी फर्स्ट फ्लोर के साथ में ही एक साइड में थोड़ा सा टेरेस जैसा एक बनाया हुआ है और यहाँ से हमें पूरा व्यू मिलता है पावागढ़ का। पीछे आप पूरा देखिए पावागढ़, यहाँ से पूरा व्यू मिलेगा। तो अगर आप भी कहीं पे आते हैं सिंगल हो, डबल हो या फैमिली के साथ में हो तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है, आप स्टे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का व्यू तो आप यहाँ से एंजॉय करने के लिए यहाँ के एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ बैठे बैठे 15 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। और हमें जाना है चंपानेर एक्सप्लोर करने, जो पावागढ़ से जस्ट बेस में नीचे शाम का समय है। आपको भी मज़ा आएगा, हम भी वहाँ पे कवर करेंगे। जिस गांव में हम लोग रुके हैं उसका ये मेन गेट है, आप देखो मेरे पीछे। आपको लगेगा भी नहीं कि ये गाँव का गेट है। हम लोग ही क्योंकि कन्फ्यूज हो गए थे जब एंट्री की, हमने यहाँ से एंट्री की थी तब हमें लगा कि कोई महल में या फिर कोई मतलब हेरिटेज साइट पे जा रहे हैं, लेकिन ये गांव की ओर पीछे से रास्ता जाता है। जहाँ हमने स्टे किया है वो यहाँ से ही रास्ता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो अब आए हैं तो यहाँ पे अभी किसी ने, मेरे ख्याल से मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे कहीं पे एक्सप्लोर हुआ नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा व्यू। लोकल मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने निकले और थोड़ा आगे आके पहुंचे तो हमने बस स्टेशन हमें मिला। ये बस स्टेशन का व्यू है जहां से आपको पूरा पावागढ़ पीछे दिख रहा है। अगर आप बस से भी आ रहे हो तो आपको ऑप्शन इजीली मिल जाएगा यहां पे। यहीं से आपको महाकाली के दर्शन भी हो रहे हैं। यहां से हमें हल्का हल्का दिख रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और लाइट भी जल गई है। प्राइवेट व्हीकल से आने का यही फायदा होता है कि आप आराम से पूरा घूम सकते हो। पावागढ़ के बेस विलेज या बस स्टेशन के ठीक सामने आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। फिलहाल शाम हो चुकी है तो सारी गाड़ियां पार्क है, अब आपको ये कल सुबह ही मिलेगी। हमें भी दर्शन के लिए अगली सुबह जाना था तो हमने शाम की चाय पी के नजदीकी जो लोकल मार्केट है वो घूमने का निर्णय लिया, जो यहां से कुछ 6.5 किलोमीटर पर है। ये जो आप पूरा देख रहे हो पीछे की ओर, ये हालोल का मार्केट है। नाइट लाइफ ऐसा कुछ है यहाँ का। अभी ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं और ऐसा कुछ सीन है हालोल का, जो नाइट लाइफ वगैरह कैसा है। पूरी बाजार वगैरह है, सब्जी मंडी वगैरह समझ लो, कुछ बूट चप्पल की दुकान वगैरह, मतलब जो पूरी लोकल बाजार होती है वही है पूरी। तो बस ऐसे कुछ घूम रहे हैं अभी फिलहाल तो, और सचिन भाई हमारे ड्राइविंग करते हुए। मार्केट में घूमने के बाद हमने रात के खाने में स्ट्रीट फूड लिया और बाद में कुल्फी टेस्ट की। कुछ समय के बाद हमने वापसी की और धर्मशाला पहुंच गए, जहां हमने बाइक पार्किंग धर्मशाला के अंदर ही किया। कुल मिलाकर पूरे एक दिन का ये अनुभव काफी अच्छा रहा। अगली सुबह हम निकलेंगे माताजी के दर्शन के लिए, साथ में देखेंगे कुछ हेरिटेज साइट और करेंगे पदयात्रा महाकाली जी के मंदिर तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।